Hello students, welcome to the new lecture of Central Orbit. Myself Vinay Pandey. Students, Central Orbit का जो इसके पहले के videos थे, मैं कुछ उनके बारे में आपको बता दूँ कि हमने उन videos में क्या-क्या किया था. सबसे पहला जो video हमने किया था, उसमें Central Orbit के बारे में पढ़ा था कि Central Orbit क्या होता है और Central Orbit का जो path होता है, वो एक planar curve होता है. ये हमने पहले video में देखा था. उसके बाद हमने अगले वीडियो में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. सेंट्रल ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वो पोलर फॉर्म में भी पढ़ी, उसका पूरा डेरिवेशन किया, और पेडल फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी उसका भी पूरा हमने डेरिवेशन किया था. उसका जो अगला वीडियो था, पेडल फॉर्म और पोलर फॉर्म, इन दोनों फॉर्म्स पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ फोर्स निकाला था. लॉ ऑफ फोर्स का मतलब ये था कि जो पी है, कैपिटल पी, जो फोर्स था, वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है. पी और आर में जो रिलेशन हम फाइंड कर रहे थे, उसी को हम लॉ ऑफ फोर्स बोल रहे थे. तो ये तीन लेक्चर्स हमने इससे पहले के वीडियोस में कर लिए हैं. जो भी उन वीडियोस को देखना चाहे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियोस वहां से देख सकते हैं. आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज के वीडियो पर ही बेस्ड रहेंगे. पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं, कुछ टर्म्स जो आगे के वीडियोस के लिए यूज़ होने वाले हैं, और उनकी डेफिनेशन देखते हैं, और उसके बाद एक दो थ्योरम्स मैं आपको कराऊंगा. पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है, एप्स. एप्स का मतलब होता है सेंट्रल ऑर्बिट. क्या था, कोई भी एक सेंटर ऑफ फोर्स हमने ओ लिया था, और ये जो कर्व था, ये सेंटर ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, इस ओ के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था. तो वो फोर्स लगने पे एक पाथ जो ट्रेवल हो रहा था, उसको हमने सेंट्रल ऑर्बिट बोला था. अब ये जो था, ये आर था, और ये टेंजेंट पे, इससे यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आप डालोगे, तो ये स्मॉल पी था. जो पेडल फॉर्म में स्मॉल पी हमने लिया था, वो पी था. पहला जो एप्स की बात करें, तो ये जो आर है, अब होगा क्या, जैसे जैसे ये पाथ बढ़ता जा रहा है आगे को, पहले आर यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो आर कुछ और रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो r कुछ और रहेगा. r एक वेरिएबल है, डिस्टेंस. तो r की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. r की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो कभी ना कभी इस r की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, या कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि r वेरी करते जा रहा है. तो अगर ये जो रेडियस वेक्टर है सेंटर ऑफ फोर्स से, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एंड एप्स इज अ पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द पॉइंट हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. ये सबसे मेन पॉइंट है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया कि आर की वैल्यू चेंज होते रहेगी. आर की कभी ना कभी आपको रेडियस वेक्टर जो है, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे उसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कभी ना कभी आपको मिलेगी. तो जिस पॉइंट पे वो वैल्यू आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसकी, आर की मिल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एप्स. एप्स क्लियर है. जो रेडियस वेक्टर है, ये जो पाथ ट्रेवल हो रहा है, इस पाथ में आर की कभी ना कभी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी. वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्स बोलेंगे. अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप, जिस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है, हमने देखा था कि आर, और आर को हमने वन अपॉन यू लिया था, या यू को हमने वन अपॉन आर लिया था, एक ही बात है. मैंने आपसे क्या बोला कि एप्स एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आर मैक्सिमम या मिनिमम होगा. अगर आर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो इसका मतलब यू भी उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम रहा होगा. और मैक्सिमम या मिनिमम होने का मतलब क्या है, कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, या मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो उस केस में अगर आप डी यू अपॉन डी आर निकालते हो, तो वो कितना हम लेंगे, जीरो, सॉरी डी यू अपॉन डी थीटा, क्योंकि कांस्टेंट है. इसका डिफरेंशिएशन क्या लिया जाएगा इस केस में, जीरो, या डी आर अपॉन डी थीटा क्या लिया जाएगा, जीरो. कब, जब हम एप्स की कंडीशन यूज करेंगे. तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एप्स पे डी यू अपॉन डी थीटा या डी आर अपॉन डी थीटा क्या होगा, जीरो होगा. अब आते हैं एप्साइडल डिस्टेंस. एप्साइडल डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द रेडियस वैक्टर एट एन एप्स इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस. ये तो क्लियर ही है कि जिस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर मैक्सिमम या मिनिमम था, उसको हमने एप्स बोला था. वो डिस्टेंस जो है,
उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, एप्साइडल डिस्टेंस, कहाँ से, ओ से। अगर सपोज यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, एप्साइडल डिस्टेंस। एप्साइडल एंगल, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेज इज कॉल्ड एन एप्साइडल एंगल। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पॉइंट मिल जाए, जिस जिन दो पॉइंट्स पे आपको एप्स मिल रहे हैं, तो ये दो पॉइंट्स पे अगर आपको एप्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एप्साइडल एंगल। तो ये तीन मेन टर्म्स हैं। एप्स क्या है, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, उसको एप्स बोला था। एप्साइडल डिस्टेंस क्या थी, जिस पॉइंट पे आपको वो मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है उसकी सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस होगी उसी को हम एप्साइडल डिस्टेंस बोलेंगे। और एप्साइडल एंगल क्या है, दो एप्साइडल डिस्टेंसेस के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे, एप्साइडल एंगल। अब इन पे बेस्ड एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि एप्साइडल एप्स पे जो आर है वो मैक्सिमम या मिनिमम रहा होगा, तो डी यू अपॉन डी थीटा अगर आप एप्स पे यूज़ करेंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, जीरो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ बेस्ड आगे की थ्योरम्स हम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, जो पहली थ्योरम है हमारे पास, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपको ये प्रूव करना है कि एप्स पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम को समझने से पहले डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम जो मैंने आपको पेडल फॉर्म का डेरिवेशन कराया था, अगर आप उस पेडल फॉर्म को इस डायग्राम से समझेंगे तो और डिटेल में वो पेडल फॉर्म, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पेडल फॉर्म में निकाली थी, वो आपको बड़े इजीली यहाँ से समझ में आ जाएगी। मैं इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप देखो एप्स क्या होता था। एप्स एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो रेडियस वेक्टर है या तो वो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए डायग्राम को देखिए आप, मैंने सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ ये लिया हुआ है, ये कर्व हमने लिया हुआ है, और ये कर्व पे एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। डायग्राम को ध्यान से समझिए आप, और इस पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए आर कोमा थीटा, यानी कि ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस डायग्राम में ये जो पी पॉइंट हमने लिया है, इस पी पॉइंट पे ये जो लाइन आ रही है, जो सेंटर ऑफ फोर्स से जो लाइन आ रही है पी पॉइंट पे, मतलब एक कर्व ऐसे लिया हुआ है और इस पे हमने एक पी पॉइंट लिया हुआ है आर कॉमा थीटा। मैंने आपको शॉर्ट में ये डायग्राम वहाँ पे बना के दिखाया हुआ था जब हमने डेरिवेशन किया था, ये आर लिया था। तो ये पॉइंट पे ये जो है इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, और इस पी पॉइंट पे हमने क्या बनाई है, टेंजेंट बनाई। और ये टेंजेंट को पीछे जब हमने इधर को एक्सटेंड किया और ये सेंटर ऑफ फोर्स से इस पे परपेंडिकुलर डाला, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा लाइन है, रेडियस वेक्टर, ये सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ है, ये पी हमने एक जनरल पॉइंट लिया आर कॉमा थीटा, और ये क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट को पीछे बढ़ाने के बाद सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, टेंजेंट पे, उस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम क्या लेते हैं, स्मॉल पी, स्मॉल पी का यूज़ किया था वहाँ पे, वो स्मॉल पी ये है डिस्टेंस, और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने, आर कॉमा थीटा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, फाई है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एट एन एप्स ये रेडियस वेक्टर और ये जो टेंजेंट बन रहे हैं इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होना चाहिए, राइट एंगल, यानी कि आपको सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि फाई को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है फाई, ये फाई आपको 90 प्रूफ करना है, कहाँ पे, जहाँ पे एप्स होगा। एप्स क्या था, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर रेडियस वेक्टर मैक्सिमम या मिनिमम होगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ओ टी पी की बात करें, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन फाई निकालूँ, ये फाई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन फाई। ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाई। नाउ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉट फाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर dr अपॉन d थीटा। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर dr अपॉन d थीटा। इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम वन इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन p² इज इक्वल टू 1 अपॉन r² इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक,
स्क्वायर फाई, तो वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन आर स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर फाई क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। सो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये लाइन आपको याद आ रही होगी सेंट्रल ऑर्बिट का, जब मैंने आपको पेडल फॉर्म का डेरिवेशन कराया था, तो पेडल फॉर्म का डेरिवेशन में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ किया था। तो जब अगर आप वो डेरिवेशन अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उस डेरिवेशन में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो फॉर्मूला भी पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आप उस डेरिवेशन में ये वाले स्टेप्स भी करते हैं तो वो सॉल्यूशन और अच्छा माना जाएगा इस डायग्राम के साथ साथ। तो ये हमने इस फॉर्मूले का यूज़ वहाँ किया था, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, इससे आगे हमको सॉल्व करना है जैसे हमने पेडल फॉर्म में किया था बिल्कुल सेम। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर थ्री। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी इज इक्वल टू क्या है, आर साइन फाई, ये इक्वेशन वन है, इसका भी आगे यूज़ भी करेंगे। अब आगे देखिए, आप आपको याद होगा वी हैव u इज इक्वल टू क्या था, वन अपॉन आर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर क्या था, यू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। आपको याद होगा ये पूरा डेरिवेशन पेडल फॉर्म में हमने ऐसे ही किया था। आगे देखिए, ये अगर हम एट एंड एप्स, क्योंकि एप्स की बात चल रही है यहाँ पे, एप्स पे मैंने आपको बताया था अभी जब मैंने डेफिनेशन बताई थी, एप्स पे हमको क्या लेना है, डी यू अपॉन डी थीटा को क्या लेना है, जीरो लेना है। तो ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर का मतलब हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको और इसको इक्वेट करते हैं तो वन अपॉन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जितने आगे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें अगर हम एप्स की कोई कंडीशन लगाएंगे तो एप्स पे आपको डी यू अपॉन डी थीटा को जीरो रखना है या डी आर अपॉन डी थीटा को जीरो रखना है, और पी इक्वल टू आर भी सब्सिट्यूट करना है, क्योंकि ये कंडीशन भी अब हमारे पास आ गई है कि एप्स पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी और ये जो रेडियस वेक्टर था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम आ जाते हैं फिर से इक्वेशन वन में, जो इक्वेशन वन थी, फ्रॉम वन पी इक्वल टू क्या था, आर साइन फाई, और पी किसके इक्वल आ रहा है, आर के, तो ये पी इक्वल टू पी साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई कितना हो गया, वन, और साइन फाई वन मतलब साइन 90, और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और फाई क्या था, किनके किनके बीच का एंगल है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ भी करना था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि फाई की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री होगी। तो आपको एप्स पे कितनी कंडीशंस अब मिल गई है कि एप्स क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रेडियस वेक्टर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस एप्स पे यू का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एप्स पे पी इक्वल टू आर होगा, ये पी ये डिस्टेंस थी और रेडियस वेक्टर ये था, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और एप्स पे फाई क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं आगे के डेरिवेशन या आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए, एप्स पे डी यू अपॉन डी थीटा जीरो, पी इक्वल टू आर एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था इसमें हमने एप्स, एप्साइडल डिस्टेंस और एप्साइडल एंगल के बारे में पढ़ा, और उसकी कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो मेन कंडीशंस का डेरिवेशन हमने किया। तो आज का जो वीडियो है इसमें फ़िलहाल इतना ही, आगे के जो वीडियोस हैं वो वीडियोस में हम जो एप्साइडल डिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इन डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िए और फॉर्मूले जो हैं वो याद करिए।
आगे का जो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होने जा रही हैं।